राजस्थान के कुछ प्रमुख शहरों के लिए जल्द ही हवाई सेवा यात्रा शुरू होने वाली है। राजस्थान की जनता के लिए हवाई सेवा के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों को विमान सेवा से आपस में जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलविल एविएशन निदेशालय ने एक निजी कंपनी को इंस्ट्रा स्टेट एयर सर्विस की स्वीकृति दे दी है। निदेशालय की ओर से जारी लेटर के मुताबिक कंपनी ने सेवा शुरू करने के लिए फरवरी में संशोधित प्रस्ताव का पत्र दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए प्रदेश इंस्ट्रा स्टेट एयर सर्विस की स्वीकृति दी गई। बता दें कि जयपुर से दिल्ली, जयपुर से कोटा, जोधपुर से अहमदाबाद, दिल्ली से किशनगढ़, दिल्ली से सवाई माधोपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से जैसलमेर के लिए हवाई सेवाएं जल्द शुरू होंगी। इनका टाइम टेबल भी सामने आ जाएगा। अम्बेडकर के खिलाफ भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या द्वारा विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद SC ST कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा की अदालत में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पंड्या के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया गया था, जिसमें अधिवक्ता DR मेघवाल ने हार्दिक पंड्या पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी देने का आरोप लगाया है। मेघवाल का कहना है कि हार्दिक पंड्या ने 26 दिसंबर 2017 को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कौन अंबेडकर, वह व्यक्ति जिसने देश के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, या फिर वह जिसने देश को आरक्षण नाम की बीमारी दे दी है। मेघवाल के मुताबिक उन्हें इस विवादित टिप्पणी की सूचना सोशल मीडिया के जरिए मिली। साथ ही उनका यह भी कहना है कि यह टिप्पणी देकर क्रिकेटर ने न सिर्फ संविधान रचयिता का अपमान किया है, बल्कि दलित समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है। वहीं इससे पहले जब मेघवाल लूनी पुलिस थाने में केस दर्ज कराने के लिए गए, तो थानेदार ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे इतने बड़े खिलाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मेघवाल अदालत पहुंचे और हार्दिक पंड्या की इस टिप्पणी के खिलाफ याचिका दाखिल की, जिस पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई करते हुए हार्दिक पंड्या के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दौसा जिले के लालसोट में बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने 5 जिंदगियों को ले लिया। दरअसल इस ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी भरी हुई थी और पुलिस इस ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली तेज गति से भाग रही थी और अचानक 5 जिंदगियों को ली गई। पूरी खबर क्या है जानिए। जानकारी के मुताबिक कैमला की ढाड़ी निवासी बुद्धाराम सैनी अपनी दो बेटियां, एक भतीजा और एक भतीजी को गणगौर का मेला दिखाकर घर लौट रहा था, तभी कोली की कोठी चौराहे के पास सामने से तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में बुद्धाराम, उसकी बेटी अंजलि, मीनाक्षी और भतीजा। हादसे के बाद मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। हादसे का पता लगते ही मंडावट ढाड़ी में कोहराम मच गया। आक्रोशित भीड़ लालसोट थाने के बाहर जमा हो गई, जहां से पुलिस ने उनको समझाइश करके भेज दिया। हेला ख्याल दंगल समिति के अध्यक्ष रतनलाल सैनी, हंसराज मंडावन ने बताया कि पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली तेज भाग रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। लोगों का आरोप है कि जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से ये दुर्घटना हुई है, उसका पीछा लालसोट थाना पुलिस कर रही थी। लालसोट की जनता ने जवाहर सर्किट पर धरना दिया हुआ है। अभी मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और लालसोट थाने को निलंबन करने की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस लगातार दोषियों की तलाश कर रही है। बाघों की मौत के मामले में गुरुवार को वन मंत्री ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से बाघों की मौत हो रही है। वन मंत्री गजेंद्र खींवसर के अनुसार रणथंबोर नेशनल पार्क में क्षेत्रफल की तुलना में बाघों की संख्या अधिक है, जिसके चलते बाघ लगातार आबादी वाले इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। वन मंत्री के अनुसार रणथंबोर में इस समय 63 टाइगर हैं और इसके अलावा उनके बच्चे भी हैं, यह सब मिलाकर 71 होते हैं। जबकि 400 वर्ग किलोमीटर में फैले रणथंबोर अभयारण्य में नियम के अनुसार 36 से ज़्यादा टाइगर नहीं होने चाहिए। खींवसर ने लगातार बढ़ती जनसंख्या और वन क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि इस प्रकार की स्थिति में जब टाइगर आबादी वाले इलाके की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसी घटनाएँ होती हैं।